दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द डचेस एंड द ज्यूलर, यानी एक नवाब बेगम और जौहरी। और इस कहानी को लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ 1882 में पैदा हुई और 1941 में इनकी डेथ हुई। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी विक्टोरियन एरा की। और इनको डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, शी वॉज अ डिप्रेशन विक्टम। और इसी डिप्रेशन की वजह से ही शी कमिटेड सुसाइड बाय ड्राउनिंग हर सेल्फ इन 1941। 1941 में ये एक दरिया में उतर गई और वहीं पर ही इनकी डेथ हो गई। ये कहानी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली 20वीं सदी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो शिफ्ट्स आ रही थी फ्यूडलिज्म के डिक्लाइन के बाद, उसको हाईलाइट करती है ये कहानी। और इसके कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो इसका जो पहला कैरेक्टर है वो ओलिवर बेकन का कैरेक्टर है, जो इंग्लैंड का एक अमीर तरीन ज्यूलर है और बहुत ही लालची और खुदगर्ज किस्म का इंसान है। दूसरा जो इसके अंदर कैरेक्टर क्या है दोस्तों, वो डचेस का कैरेक्टर है, जो कि एक शादीशुदा एक मैरिड डचेस है और उसकी तीन बेटियां हैं। और ये डचेस जो है ये एक बहुत ही करप्ट और चालाक किस्म की औरत है। इसकी एक बेटी का इस कहानी के अंदर हमें जिक्र मिलता है जिसका नाम डियाना है, जो कि डचेस की एक बेटी है और इसको ओलिवर बेकन जो है उसको पसंद करता है। ये कहानी जो है ये जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो उस दौर की जो अमीर क्लास थी, उसके डाउनफॉल के जो उसके जो मॉरल और इकोनॉमिक डाउनफॉल है उसको ये स्टोरी वाजे करती है। ओलिवर बेकन एक कंवारा और यूरोप का एक अमीर तरीन सबसे अमीर ज्यूलर था और वो एक बहुत ही लग्जूरियस किस्म के घर में रहता था, बहुत आलीशान किस्म के घर में वो रहा करता था। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें इस कहानी के अंदर पता चलता है कि पहले वो एक बहुत ही गरीब आदमी था और गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारता था और वो अमीर औरतों को कुत्ते और घड़ियाँ जो थीं वो बेचा करता था। वो कुछ अरसा वो मोतियों की और हीरो की स्मगलिंग भी करता रहा, फिर उसके बाद उसको जो है वो कुदरत ने नवाजा और वो एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया, लेकिन उसकी खसलतें तब्दील नहीं हुई। एक दिन होता क्या है कि एक डचेस जो है वो उसकी दुकान पर आती है और उसके पास उसने जो है ना वो अपने हस्बैंड के पर्स से कुछ जो है ना वो उसने फेक पर्ल्स 10 उसने जो है ना वो झूठे मोती उसने उठा रखे होते हैं जिनको वो 20,000 pounds में बेचना चाहती होती है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्ल्स होते हैं लेकिन वो उनको सच्चे मोतियों के रेट पर उनको वो बेचना चाहती होती है। ओलिवर बेकन जो है उसको डचेस की बेटी डियाना से मोहब्बत हो जाती है और जो डचेस है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ओलिवर को मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई है। जब ओलिवर बेकन उन पर्ल्स को चेक करने लगता है कि कहीं ये मसनू तो नहीं है, कहीं ये झूठे मोती तो नहीं है, तो डचेस जो है वो उसको इन्वाइट करती है कि तुम इस वीकेंड पर आकर एक रात मेरी बेटी के साथ अकेले गुजार सकते हो। अब जब वो ये ऑफ़र सुनता है तो वो उस ऑफ़र से डचेस की इस ट्रिक से वो टेम्प्ट हो जाता है, वो वरगला जाता है और फौरन उनको जो डचेस होती है उसको वो 20,000 pounds का चेक लिख कर दे देता है। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि वो पर्ल्स जो थे वो झूठे थे तो उस वक्त उसको बहुत अफसोस होता है, लेकिन उस वक्त वक्त गुजर चुका होता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और स्टोरी में। खुदा हाफिज़।